यस तो पूर्व पर कौन सा है गंगा पूर्व पर और उत्तर पर है जल और यहां पर विग्रह कैसे हुआ है गंगा का जल ये क्या है समास का विग्रह है और बस हम गंगा जल लिखेंगे एक इसको क्या बोला जाएगा कि समस्त पद मीन्स समस्त पद इनको क्या किया है हमने जोड़ दिया है इसका का जो विभक्ति चिन्ह है उसको निकाला और हमने एक ही शब्द बनाया उसका एक ही पद बनाया कौन सा गंगा जल तो जितने कारक के भेद है उतने भी किसके भेद है तत्व समास अभी आएगा कर्म तत्पुरुष आएगा कर्म तत्पुरुष करण संप्रदान अपादान नेक्स्ट सम्मान अपन तत्पुरुष आदिकरण तत्पुरुष वेरी गुड आदि करण और कितने हुए संप्रदान अपादान सम्मान आदिकरण ठीक है तो जितने कारक के भेद है उतने ही क्या है तत्पुरुष समास के भेद है अभी कर्म कारक का एक उदाहरण देखेंगे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है को कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है को संप्रदान के लिए कर्म की को है करण की से है संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के आदिकरण में और पर इसके क्या है सभी विभक्ति चिन्ह है तो कर्म तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देखेंगे जैसे स्वर्ग को प्राप्त तो हमने क्या पढ़ा है कि कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है को है तो तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास कैसे होगा जहां पर हम क्या करेंगे उसको स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त है तो को का क्या हो गया लोक हो गया लोक मीन्स वो वहां से चला गया निकाल दिया गया और क्या हो गया स्वर्ग प्राप्त हो गया और यहाँ पर को आया इसीलिए वो कौन सा समास बना कर्म तत्पुरुष समास बना ठीक है नेक्स्ट है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण उसका विभक्ति चिन्ह क्या है से भूख मरा अभी इधर भी पूर्व पद है उत्तर पद है उसके बीच में क्या है विभक्ति चिन्ह है जो अब हम विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह भी आएगा तो क्या करेंगे इसका अभी विग्रह करके देखेंगे भूख से मरा तो क्या आया से आया तो से किसका विभक्ति चिन्ह है करण तत्पुरुष का इसीलिए ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया करण तत्पुरुष समास हो गया ठीक है बाद में है संप्रदान तत्पुरुष देशभक्ति उदाहरण है देशभक्ति पहले विग्रह करके देखेंगे देश के लिए भक्ति के लिए आया तो किसका विभक्ति चिन्ह के लिए के लिए है संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए इसलिए कौन सा समास हुआ हो संप्रदान तत्पुरुष समास समझे जिसका विभक्ति चिन्ह विग्रह करने पर को आया तो कर्म हुआ करण आया तो क्योंकि उसका विभक्ति चिन्ह से है करण का देशभक्ति के लिए आया तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए तो ऐसे देखकर हमें क्या करना चाहिए तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हुआ पता लगा सकते हैं बाद में आया अधिकरण अपादान अपादान का भी क्या है से है लेकिन जहां
अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। अपादान तत्पुरुष हम कैसे पहचानते हैं कि वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे धन से ही क्या हो गया, वो धन से ही हो गया, दूर हो गया, उसके पास धन नहीं है। पथ से भ्रष्ट, वो अपने रास्ते से दूर निकल गया, अपने रास्ते पर नहीं पहुंचा, वो पथ से भ्रष्ट हो गया। नेक्स्ट है संबंध के काम की के। अभी राज्यसभा ऊपर है, राज्यसभा कैसे आएगा, राजा की सभा, तो की आया। और एक देखेंगे लोकसभा लोगों की सभा, लोक की सभा। जल का प्रवाह, ठीक है। इसके उदाहरण हो गए संबंध की विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की और के। अभी अधिकरण के देखेंगे, अधिकरण के में और पर अधिकरण में और पर है। जैसे स्नेह मग्न, ध्यान में मग्न। अभी में आया, में किसका ये है, विभक्ति चिन्ह है अधिकरण का है, इसलिए वो कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद हो गया। ग्रामवास ग्राम में वास रहना, तो में आया, में किसका ये है अधिकरण का है, तो कौन सा समास हो गया, ये अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये पूरे जितने काल के भेद है, तत्पुरुष समास के भेद है, बाकी समास में कोई भी भेद नहीं है। अभी करण तत्पुरुष ये सभी किसमें आते हैं, तत्पुरुष समास के भेद में आते हैं। अभी नेक्स्ट का समास है, ये सभी तत्पुरुष समास के हो गए। नेक्स्ट का है कर्मधारय समास, जिसके विभक्ति चिन्ह क्या आएंगे, का, की, के। विभक्ति करने पर या विग्रह करने पर का, की, के, में, पर, से आएंगे, तो वो क्या है, तत्पुरुष समास। और जैसे उसकी विभक्ति चिन्ह है उससे पहचानना है कि कौन से समास के तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। यहाँ पर अभी कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या है, जिसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष है। तो ये ध्यान रखना है कर्मधारय समास में उसका पूर्वपद, उत्तरपद, पूर्वपद विस जो पहला आता है, उत्तरपद विस जो बाद में आता है। जैसे नील गगन मीन्स आकाश, नील गगन, पीतांबर, नील कमल, महादेव, महात्मा,
वहां मा। इसमें दो पद है देखो, जैसे नील और गगन, नील और कमल, महा देव, महा आत्मा मीन्स महान आत्मा। तो कौन कौन से है, किसकी विशेषता कौन बता रहा है? अभी गगन कैसा है, नीला है, तो कौन सा पद प्रदान हो गया यहाँ पर, गगन प्रदान है या नील प्रदान है? तो कर्मधारय समास का पहला पद गौण होता है और दूसरा पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। प्रधान मीन्स इसकी विशेषता बताई जा रही है, गगन की, कमल की विशेषता बताई जा रही है, महान देव की विशेषता बताई जा रही थी, महान आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा कैसा है, महान है। तो यहाँ पर गगन क्या है, प्रधान है, जिसका उत्तर प्रद प्रधान हो वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और जिस समास कर्मधारय समास की और एक विशेषता है, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। तो यहाँ पर देखो नील क्या है, विशेषण है, नील विशेषण है और गगन क्या है, गगन विशेष है। तो हमें क्या पढ़ा होने, कर्मधारय समास की विशेषता क्या है, जिस पद का, जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और एक विशेषता है उसकी, उसका पहला पद गौण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान क्यों, क्योंकि हम कमल की विशेषता बता रहे हैं, गगन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। महादेव, अभी इसका विग्रह कैसे करेंगे, महा में महान, देव, देव कैसे है, महान है, महा है तो महादेव हो गया। महा आत्मा, आत्मा कैसी है, महान, महान आत्मा, इसीलिए उसको महात्मा कहा गया। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, कर्मधारय समास का विग्रह कैसे किया जाता है, नील गगन, नील मीन्स नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नील गाय, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है, महान है जो देव, महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा महात्मा, ये सब क्या है, इसका विग्रह है, ये सब क्या है, इसके समस्त पद है। आपको विग्रह दिया जाएगा, समस्त पद पूछा जाएगा, तो नीला है जो गगन, नील गगन, नीला है जो कमल, नील कमल, महान है जो देव, महादेव, महान है जो आत्मा, महात्मा, तो ये दिया जाएगा, तो ये उसका समस्त पद आएगा, ठीक है। और ये आपको समस्त पद दिया जाएगा, विग्रह ऐसे आएगा। तो इसकी पहचान क्या है कर्मधारय समास की, उसका पहला पद गौण होता है, दूसरा पद, यस ये भी है, पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, तब कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट का समास है, कौन सा समास है, नेक्स्ट द्विगु अव्ययभाव, अव्ययी भाव, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जिस समास का पहला पद के अव्यय हो, जिस समास का पहला पद या पहला शब्द अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद और दूसरा पद क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद भी क्या बन जाता है, उसका अव्यय हो जाता है।
पूर्वपद क्या है उसका अव्यय है, इसीलिए पूरा समस्त पद मींस जो आगे वाला आने वाला पद में क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। आजीवन, 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 जीवन पर्यंत। देखो इसका विग्रह कैसे आएगा, आजीवन, जहां तक हमारा जीवन है, जीवन पर्यंत, ये उसका क्या, और आ क्या है, अव्यय है, तो पहला इसका जो शब्द है वो ही अव्यय है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, अव्ययभाव समास कहा जाता है। और एक उदाहरण, यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, विग्रह कैसे आएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण, मरण तक, मरण तक। और एक उदाहरण, यथाविधि, यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, अनुसार। तो ये सब किसके उदाहरण है, अव्ययभाव, जिसका पहला शब्द अव्यय हो और बाद में क्या हो जाता है, उसका समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, इसीलिए उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। और पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। अगर ऐसे उदाहरण आते हैं और उसका विग्रह हमें करना होता है, या विग्रह दिया जाता है और समस्त पद आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट का समास, द्विगु समास, द्विगु समास, इसकी पहचान क्या है, किसे कहते हैं द्विगु समास, जिसका पूर्व पद में ही संख्यावाची शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाच मीन्स अभी पंचवटी, पंचवटी। नेक्स्ट कौन सा है, नवरत्न, नवरत्न। थर्ड है त्रिलोक, हम बोलते हैं ना तीन लोक है तो त्रिलोक। पंजाब, जो उदाहरण दिए थे मैंने आपको ना, पंजाब। तो पंचवटी, उसका विग्रह कैसे होगा, पांच वटों का समूह। यस, पांच वटों का समूह, या पंच वटों का समूह, या समाह, समाह। पंच मीन्स पांच, वट मीन्स वृक्ष, वृक्ष का नाम है वट, वृक्ष का नाम। ठीक है, नौ रत्न, नौ मीन्स नौ, यस, नौ रत्नों का, नौ रत्नों का समाह, समाह, समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का, लोकों का समाह, तीन लोकों का समाह। यहाँ पर आपको समझ में आया संख्यावाची मीन्स क्या है, ऐसे आएंगे पंच मीन्स पांच, नौ, तीन, पंजाब, पंजाब, पांच अंबों का समाह मीन्स अबों का समूह। मैम ये पांच नदियों का समूह, समूह भी चलेगा, समूह भी चलेगा, अबों का समूह, समूह। ठीक है, सप्ताह, विग्रह कैसे आएगा सप्ताह का,
सप्ताह का कार्यक्रम कैसे आएगा? सप्ताह सात दिनों का सप्ताह हम बोलते हैं ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं, तो सात सप्ताह, सात बोलो, सात सात दिनों का सप्ताह, सात दिनों का समय, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात दिन, इसलिए इसको कहा कहा जाता है सप्ताह कहा जाता है। तो जहां पर भी ऐसे जिसका पहला पद ये दूसरा पद पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद है ये, जिसका पूर्व पद क्या हो, क्या है संज्ञावाची हो, क्या है कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, अभी आया आपका नेक्स्ट समास द्वंद्व समास। बहुत तेजी समास है ना, इसके द्वंद्व समास की पहचान क्या है? दोनों पद इसके क्या है? प्रधान, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद क्या आते हैं इसके? प्रधान आते हैं, दोनों पद समान वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले आव या अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप होता है। लोप होता है सबको निकाला जाता है समस्त पद बनाने के लिए, हम ऐसे करते हैं ना। दोनों पद समान होते हैं, जैसे देश विदेश, माँ बाप, माँ बाप, माँ और, अभी हम कैसे लिखेंगे उसका विग्रह, और बाप, देश विदेश, देश और, देश और विदेश, तो आओ ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव में, और इसको क्या किया हमने? इसका लोप किया, और इसके बीच में जो चिन्ह आता है वो कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है जो बीच में जो लाइन है वो कौन सा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसको क्या, इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर लिखते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करके। तो द्वंद्व समास में दोनों पर समान होते हैं, प्रधान होते हैं, और उनका विग्रह करने पर उनके बीच में जो समुच्चय बोधक अवयव होता है उसको क्या करते हैं? उसका लोप हो जाता है, और उसको लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो द्वंद्व समास पहचान समझ में आई, दोनों पद क्या है? समान होते हैं, राज्य, माता पिता, स्त्री पुरुष, ये सब इसके उदाहरण है द्वंद्व समास के। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। अभी यहाँ पर बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास के थोड़ा सा उदाहरण, उसके जब विग्रह करोगे तभी आपको समास कौन सा है समझ में आएगा। पीतांबर, पीतांबर, पीत है वस्त्र, देखो पीतांबर, दशानन ज्यादातर तो यही उदाहरण है, पीतांबर, दशानन, चतुर्भुज, अभी बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि दूसरा जो पद आने वाला होता है वही प्रधान होता है, उसके दोनों पद प्रधान नहीं होते। अभी हमने कर्मधारय समास में क्या पढ़ा? उसका दूसरा पद क्या रहता है? प्रधान रहता है ना।
लेकिन गौरी समास में उसके दोनों भी पद प्रधान नहीं रहते और तीसरा कोई जो पद आने वाला है वो क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन। अभी आप इधर कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर त्रि आया, दशानन आया, इसका पहला पर्सन क्या अच्छी आया है ना, है ना, आपको लग रहा होगा दशानन त्रिलोचन ये कैसे आया इधर, हम इसका कैसे विग्रह करेंगे। अभी जैसे आप विग्रह करते हैं उसके ऊपर वो आधारित होता है कि वो कौन सा समास है। पीतांबर पीत है वस्त्र जिसका, पीत मीन्स पीत है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन है किसका वस्त्र, हम ज्यादातर देखते पीत होता है अर्थात श्री श्री कृष्ण या श्री विष्णु श्री कृष्ण, यस। अर्थात देखो अभी ना तो पीत प्रदान हुआ ना अंबर मीन्स वस्त्र पीतांबर ना वस्त्र प्रदान हो गया, तो इस दोनों पद में कोई भी प्रधान नाम होकर कोई तीसरे का नाम लिया और कौन प्रधान है यहाँ पर, श्री कृष्ण प्रधान हो गए, है ना। तो बहुव्रीहि समास की पहचान यही है दोनों पद क्या रहते हैं, गौण रहते हैं और तीसरा पद जो तीसरा कोई आने वाला है वो क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। दशानन कैसे होगा इसका विग्रह, दस आनंद है, दस आनंद है जिसके, अर्थात अर्थात आएगा अर्थात रावण। तो देखो ना तो दस इंपॉर्टेंट है ना आनंद, दोनों को भी महत्व नहीं दिया गया, तो तीसरा पद कौन आया ना रावण, और रावण क्या बन गया, प्रधान पद बन गया। यही बंगली समाज की क्या है, पहचान है। और ज्यादातर यहाँ पर तीसरे पद को इम्पोर्टेंट देने के लिए क्या किया जाता है, जिसके जिसका अर्थात लगाकर तीसरे का उधर उल्लेख किया जाता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार है, चार बोलो चार भुजा, यस वेरी गुड। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन तीन है लोचन मीन्स लोचन, लोचन मीन्स आंखें जिसके अर्थात किसके होते हैं तीन लोचन, शिव, वेरी गुड शिव। किसी तीसरे का ही हमने क्या किया इधर, तीसरे को ही प्रधानता दी, तीन आंखें किसकी है शिव जी की है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके या तीन है आंख जिसके अर्थात शिव। अभी आपको लगा होगा इधर चतुर्भुज है दशानन है तो ये द्विगु समास कैसे नहीं होगा, द्विगु समास भी हो सकता है लेकिन जैसे आप विग्रह करोगे वैसे वो समास आधारित होगा। आपने तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव किया तो कौन सा समास बना, बहुव्रीहि समास बना। हा? और आप ऐसे करते तीन आंखों का समूह तो क्या हो जाता वो द्विगु समास है ना, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज हो गया। दशानन, दशानन है दशानन का समास समूह दशानन हो गया, द्विगु समास में आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या किया है दश आनन है जिसके अर्थात रावण, तो क्या हो गया बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन
कर्मधारय समास में कैसे होगा? दस आनन है जो, तीसरे का हमने उल्लेख किया ही नहीं, जिसका अर्थात कुछ नहीं लगाया। दस आनन है जो, तो हमने क्या दिखाया? एक विशेषण है और एक विशेष दिखाया, तो कौन से समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अभी कमल नयन, अभी दो इसमें देखेंगे, बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या फर्क है, देखेंगे दो उदाहरण देखिए। कमल नयन, कमल नयन, अभी कर्मधारय समास की करना है तो कैसे आएगा? कमल जैसे नहीं, कमल जैसे नहीं, वेरी गुड, कमल जैसे नयन, क्योंकि हमने कर्मधारय समास में क्या पढ़ा है? एक विशेष और एक विशेषण, तो नयन कैसे है? कमल जैसे है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। एक कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया कर्मधारय। यही हमें बहुव्रीहि में करना है, तो कमल के समान नयन है जिससे अर्थात खुशी। हाँ बोलो, कमल के समान ये हिस्से हैं अर्थात खुशी। वेरी गुड, कमल के समान नयन है जिसके समान नयन है जिसके जिसके अर्थात कौन है वो? श्री कृष्ण। श्री यहाँ पर हमने क्या दिखाया? जो तीसरा पद है उसको हमने प्रधानता दिखाई, उसको प्रधान है। यहाँ पर ये दिखाया कि एक पद क्या है? विशेषण, दूसरा पद विशेषण है ना? अभी महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, उसको बहुव्रीहि में करना है, तो महान है आत्मा जिसकी अर्थात हम किसी का भी उल्लेख कर सकते हैं, महात्मा गांधी है ना, किसी भगवान को बोल सकते हैं, महात्मा गांधी को बोल सकते हैं, तो ये क्या है? किसी तीसरे पद का जब हम उल्लेख कर रहे हैं तब कौन से समास है? बहुव्रीहि समास है। और एक विशेषण और एक विशेष जब आता है तो कर्मधारय समास होता है। और जैसे आप विग्रह करोगे, आपने ये विग्रह किया कमल जैसे नयन, तो कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास आएगा। और आपने ऐसा विग्रह देखा और आपको समस्त पद लिखने के लिए बोला, तो समस्त पद आपने लिखा और समास पूछा गया तो कौन सा है वो? बहुव्रीहि समास। ऐसे विग्रह किया गया है और आपको समास पूछा गया है तो कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि समास। और इस तरह से आप उसका विग्रह किया गया है और समास पूछा जाएगा तो कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास। द्विगु समास में भी कंफ्यूज नहीं होना, द्विगु समास में भी जैसे समाहार समूह दिखाया गया है तब वो द्विगु समास होगा, ठीक है? और है जो, है जिसके, ऐसे जब विग्रह करने पर आएगा तब वो है जो आएगी कर्मधारय। है जिसके अर्थात किसी दूसरे का उल्लेख आने वाला है तो बहुव्रीहि समास, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये जैसे आपका विग्रह होगा वैसे कर्मधारय समास का विग्रह होगा, तो इस तरह है बहुव्रीहि समास विग्रह करना है तो इस तरह है, और जैसे आपका विग्रह होगा उसे आधार, उसके आधार पर ही वो समास निश्चित होगा, ठीक है? उदाहरण होमवर्क के लिए
दिए हैं क्या मैंने आपको उदाहरण दिए होमवर्क के लिए? यस ले लो थोड़े, आपको इसका विग्रह करना है और समस्त पद भी।